आज मध्य प्रदेश के कई विषयों को लेके आए, हम लोगों की भेंट हुई और मैंने सारे अधिकारियों को बुला के तत्काल चर्चा की सामने हम लोगों ने। जैसा उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री जी स्त्री अन्न को प्रोत्साहित करने का उनका आह्वान है और मोटे अनाज के फायदे हम सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में कोदों कुटकी ये मोटे अनाज के रूप में विशेषकर हमारे आदिवासी क्षेत्र में होता है, तो अभी तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कोई खरीद कोदों कुटकी की नहीं होती थी। अब हमने 4,290 रुपया जो रागी का समर्थन मूल्य है उसी पर कोदों कुटकी की खरीद करने का फैसला किया है ताकि श्री अन्न को हम बढ़ावा दे सकें और आदिवासी भाई और बहनों को उचित दाम मिल सके। मूंग की खरीदी की अनुमति भारत सरकार ने अभी मध्य प्रदेश को दिया, समर मूंग काफ़ी होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मूंग भारी मात्रा में उत्पादित हुआ है, तो उस विषय को भी हम गंभीरता से देख रहे हैं। फिर एक मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया, मोहन जी उस काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, वो ड्रिप और स्प्रिंकलर, प्रधानमंत्री जिनका पर ड्राप मोर क्राप, तो मध्य प्रदेश ने कैनाल इरिगेशन छोड़ के प्रेशराइज पाइप वाली प्रणाली अपनाई है जो देश में एक उदाहरण है। लेकिन वहाँ हम क्या करते हैं कि 2.5 एकड़ के चक के सामने एक आउटलेट देते हैं, अब उसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर का सिस्टम अगर किसान लगा ले तो उसको बहुत फ़ायदा होगा और वो ज़्यादा सिंचाई कर पाएगा। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश के टारगेट बढ़ने चाहिए, तो मध्य प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है इस क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश की इस बात पर भी हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। एक छिंदवाड़ा जिला छूट गया था पीएम जनमन योजना में, वहाँ भारिया नाम की एक हमारी जनजाति रहती है, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है, तो जनमन योजना में उनको भी, क्योंकि विशेष पिछड़ी जनजाति है, उसको भी जोड़ने का काम करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण विषय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ विभाग के सामने रखे हैं, तो मध्य प्रदेश के और देश के विकास के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री जी के हर जो विषय उनने रखा उसको बहुत गंभीरता से लिया है, कई पर अभी तत्काल हमने फैसले किए हैं और कई ऐसे हैं जिन पर नीतिगत विचार करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए मध्य प्रदेश विकसित बने तो कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश को पूरा सहयोग करेगा।